हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, इसको सिंबॉलिकली एस एन से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो अगर सम ऑफ बोल रहा है, यानी क्या करेंगे इसमें, अगर मैं बोल रहा हूं कि एस एन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी मींस ओवरऑल कब तक रहेगा, एन टर्म तक रहेगा, राइट ना, कब तक रहेगा, एन टर्म रहेगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट टर्म यानी ए होता है, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी होता है, राइट ना, एंड थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी, एंड द लास्ट टर्म वॉज विच इज ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी होता है। ये हमको मालूम है, राइट ना, इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं, राइट, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। इक्वेशन वन ले लिया, अब रिवर्स द इक्वेशन वन करो, रिवर्सिंग इक्वेशन वन, राइट ना, है ना, इक्वेशन वन को रिवर्स कर लो, क्या आ जाएगा आपका, वैल्यूज क्या आ जाएगा, देख सकते हो आप, ए प्लस लास्ट टर्म जो रहेगा उसको सबसे पहले लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, और इससे पहले वाला क्या रहेगा टर्म, देखो ए प्लस एन माइनस वन है तो एन माइनस टू होगा, तो इधर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ डी। यस, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ डी, एन सो ऑन सो ऑन, कब तक आएगा ये सारा टर्म, लास्ट तक का आएगा, कहां तक का, ए तक का, राइट ना, ए तक का आएगा। अब क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को देखो, ऐड कर लो, वन और टू इक्वेशन को ऐड कर लो, तो देख सकते हो इसको इक्वेशन वन दे दो, दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन टू दे देता हूं मैं, ऐड कर लो, एस एन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एस एन, यस, एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एस एन, ये ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, यस। वापस से नेक्स्ट टर्म को ऐड करो, देखो ए प्लस ए टू ए, टू ए क्या आ जाएगा, टू ए और ये डी डी कॉमन, यानी ये हो जाएगा हमारा वन टाइम्स, प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन, यानी वापस से मिल गया एन माइनस वन डी। नेक्स्ट टर्म भी ऐसी आएगा, देखो ए प्लस ए टू ए और ये मिल गया टू माइनस थ्री, माइनस वन यानी एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ये सारा सीरीज कब तक चलेगा, एन टाइम्स तक, कब तक चलने वाला है, एन टाइम्स तक चलने वाला है। अब ये एन टाइम्स, तो आपने देखा रहेगा, अगर आपके पास 10 कॉइन्स है, आपके पास 10 कॉइन्स है, तो कितने के कॉइन्स है, मान लो एक के कॉइन्स है, तो आप क्या करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने रुपीज है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का कॉइन, तो 10 रुपीज हो जाएगा। अगर आपके पास 10 कॉइन्स है, 2 का कॉइन्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा, राइट ना। ऐसे सेम एन टाइम्स है, कौन सी क्वांटिटी है, एन टाइम्स, एन टाइम्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, तो ये मिल गया 2SN एन टाइम्स ऑफ 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, ये क्वांटिटी आपके पास एन टाइम्स है, और हमको मालूम करना था SN, ये 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ SN n बाय 2 2A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। यस, गॉट इट, ये हमको मिल गया SN का फॉर्मूला। ओके, यहां हमको क्या मिल गया, SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या मिल गया, n डिवाइड बाय 2 2A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमने प्रूफ कर लिया सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। यस, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज में है।
तो चलो थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, पीएस 3.3, पीएस 3.3 देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3। क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है हमको, फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म इज क्या बोल रहा है, 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, है ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है आपको। फाइंड द S27, आपको क्या मालूम करना है, S27 क्वेश्चन मार्क, यानी n का वैल्यू क्या है हमारे पास, 27 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, n डिवाइड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। यस, तो n की वैल्यू क्या पुट अप कर सकते हो, 27, ये क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस n मींस व्हाट 27 माइनस 1 राइट मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 27 डिवाइड बाय 2 इन अ ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2612 प्लस ये मिल जाएगा कितना 27 माइनस 1 26 मल्टीप्लाई बाय 3। यस, देख सकते हो इसमें चाहिए तो आप आसानी से कॉमन निकाल के 2 कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो भी चल जाएगा आपका वैल्यूज। ये मिल गया 27 बाय 2, ये मिल गया 12 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 6 18 हो गया, ये कैरी 1, ये हो गया 3 2 6 6 प्लस 1 7, तो ये मिल गया 78, 12 प्लस 78 कितना लेंगे हम लोग, देख सकते हो 12 प्लस 78 कितना मिल जाएगा आपके पास वैल्यू, ये मिल गया, मिल जाएगा S27 इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 2 इन अ ब्रैकेट, ऐड करो देखो 8 प्लस 2 10 हो गया कैरी 1 और ये 7 प्लस 1 8 और ये 9, तो मिल गया हमको 90 मिल गया। 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करो 90 को कितना मिल जाएगा 45, तो S27 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 45। यस, इधर साइड में रफली कर लेते हैं हम लोग, 45 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 5 7 35, 5 2 10 और ये आ गया 13, है ना 13 आ गया, देन 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 28 और ये आ जाएगा 4 2 8 और ये 10, ऐड कर लेंगे इसको देखो कितना आ जाएगा, देखो 5 और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1 और ये आ गया 2 और ये आ गया 1, यानी 1 2 1 5 आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1 2 1 5। यस, वी गॉट द फाइनल आंसर, ये हमको मिल गया फाइनल आंसर। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट, कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं सेम फॉर्मूले के बेसिस पे, ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे अभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। कितना बोल रहा है, 1 to 350 के बीच के जितने भी है ना, बिटवीन में जितने भी इवन नंबर्स है, बिटवीन में बोल रहा है राइट ना, तो 1 इवन नंबर्स नहीं है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड सो ऑन, 350 से पहले, 350 से पहले कौन सा है इवन नंबर, 348। यस, 348 यस, बिटवीन 1 to 350 में हम लोगों ने देख लिया इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से, 2 4 6 एंड लास्ट अप टू कब तक रहेगा, बिटवीन बोल रहा है यानी आपको 350 कतई नहीं लेना है राइट ना। इसमें आप लोगों को देख लो, फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, ए 2 मिल गया एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 मिल जाएगा राइट ना, ये मिल जाएगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म 2 मिल गया, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 4 माइनस 2 2 मिल गया, हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी लास्ट टर्म इज 348।
कितने टर्म है हमारे पास, हमको नहीं मालूम है, सिर्फ सम निकालना है, राइट। तो सबसे पहले tn दिया हुआ है तो tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज a प्लस एन माइनस वन डी, राइट ना। tn इज नथिंग बट दी 348, a इज 2, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी इज 2, यस 348 प्लस 2 देख सकते हो माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2, यस 348 माइनस 2 कितना हो जाएगा 346, और ये देख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल कर लो 2 से, 2 वन जा 2, 1 रिमेनिंग बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14 और ये 2 3 जा 6, वी गॉट द 173 और ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया इक्वल टू n, तो n मिल गया हमको 174, ये मिल गया n का वैल्यू, यस वी गॉट द वैल्यू ऑफ n, n मिल गया 174, तो अब निकाल सकते हैं हम लोग sn, sn इज नथिंग बट n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, यस तो ये मिल जाएगा sn इज, sn क्या होगा इधर, s n का वैल्यू 174 इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग देख सकते हो 2 मिल जाएगा इधर, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू अगेन 2, यस 174 डिवाइड बाय 2 देख सकते हो 2 विल गेट कॉमन, है ना 2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो ये 2 कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या बचेगा 2 प्लस 174 माइनस 1 कितना हो जाएगा 173, यस 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया s 174 इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई बाय ऐड कर, ये ऐड कर लो कितना हो जाएगा 175, यस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप ट्राई करो और आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यही फॉर्मूले के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सीधा, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज एन एपी इज 3300, एस 55 गिवन है आपको, 3300 ये आपको गिवन है ऑलरेडी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स 28th टर्म, आपको क्या मालूम करना है 28th टर्म फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब sn दिया हुआ, इससे पहले tn दिया हुआ था, sn फाइंड आउट किया हमने, अब sn गिवन है tn फाइंड आउट करना है, नो डाउट ये क्वेश्चन भी आसानी से हम कर लेंगे। अगेन जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, s 55 गिवन है तो sn का फॉर्मूला, sn इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा d, s क्या हो जाएगा 55, ये मिल गया हमको 3300, ये मिल गया 55 डिवाइड बाय 2, ये मिल गया 2a प्लस n माइनस 1 यानी क्या 55 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यस अब देख सकते हो 55 मल्टीप्लाई में है ना, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 55 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय 2, और ये देख सकते हो ब्रैकेट में 2a प्लस ये मिल गया आपको 54 टाइम्स ऑफ डी, 55 से 11 से कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करो देखो 11 5 जा 11 3 जा और ये हो गया 300, राइट 5 से भी कैंसिल कर सकते 5 1 जा 5 6 जा और ये 60 इक्वल टू 1 बाय 2, देखो 1 बाय 2 इधर 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, रिमेनिंग क्या बचेगा a प्लस यस 2 जा 2 जा 4 और 1 बचेगा 1 रिमेनिंग बचेगा तो 14 हो गया 2 7 जा तो ये 27 हो गया और हमको क्या मालूम करना है देखो 28 टर्म मालूम करना है तो 27 क्या होता है 28 माइनस 1 होता है और ये 2 कैंसिल तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आगे नहीं सॉल्व करेंगे इतनी वैल्यूज रख के राइट ना आगे नया टर्म्स निकालेंगे देखो सिंस nth टर्म
nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। यस ये मिल जाएगा 28, n की वैल्यू 28 पुट अप कर दो, ये क्या हो जाएगा 28 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, 28 इक्वल टू ए प्लस, देख सकते हो 28 माइनस वन क्या होता है 27, ये मिल गया 27d, t28। और हमारे पास ऑलरेडी इसका वैल्यूज निकाला है हमने, a प्लस 27d इक्वल टू कितना, हाउ मच 60। यस वी गॉट द फाइनल आंसर। यस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। What is given in the question number 9? Question number 9 में क्या दिया हुआ, देखो if the ninth term of NAP is zero, ninth term आपको क्या given है, zero given है, ठीक है, and then show that 29th term, तो क्या करना है हमको, show that करना है, तो show that क्या करना है, show that is 29th term is twice its Twice the 19th term है, तो solution सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, n का formula a plus n minus 1 multiply by d। Yes, तो सबसे पहले हम लोग जो given है वहां से शुरू करेंगे, T9 a plus क्या हो जाएगा 9 minus 1 multiply by d, और T9 क्या दिया हुआ है हमारे पास value 0 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ डी। यस तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हो प्लस 8d, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस 8d, तो ये हो जाएगा माइनस 8d, ये मिल गया आपको ए का वैल्यू। यस ये ए का वैल्यू मिल गया, किसी तरीके से आप क्या करेंगे T29 देखते हैं, सिंस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 29 a प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये 29 क्या हो जाएगा a प्लस, a का वैल्यू तो हमारे पास है इधर ऑलरेडी लिख सकते हैं माइनस 8 टाइम्स ऑफ डी, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 28 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है 28d माइनस 8d कितना हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ डी, ये मिल जाएगा 229, T29 मिल गया आपको, राइट ना। अब इसी तरीके से T19 देख लो, T19 क्या हो जाएगा, T19 a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, यानी n की जगह पे क्या आ जाएगा 19 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, T19 इक्वल टू, यस a का वैल्यू सेम एज इट इज वापस से माइनस 8 टाइम्स ऑफ d प्लस ये आ जाएगा 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18d, तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10d, राइट right? तो हम लोग चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 दे देते T29 को, और T19 को दे देते हम लोग इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, T29 इज नथिंग बट द 2 मल्टीप्लाई बाय 10d, और 10d क्या है हमारे पास 229 मल्टीप्लाई बाय कितना जाएगा T19। यस देख सकते हो आपका फाइनल जो सॉल्यूशन था वही मिल गया आपको। ओके थैंक यू।